हाय, दिस इज दिलीप सुटर विथ अनदर वीडियो लेक्चर। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चैप्टर नंबर फोर जो है, यूनिट नंबर फोर क्लास मैट्रिक का हमने स्टार्ट कर लिया है। बिफोर एक्सरसाइज 4.1 वी हैव सम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो पहला जो लेक्चर था उसमें हमने ये समझा कि वेरिएबल क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, उसके बाद हमने ट्रम कोफिशंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ट्रम, बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ट्रम किसे कहा जाता है उसको हमने डिफाइन किया। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नंबर वन, पॉलीनोमियल एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसके बेसिकली तीन किस्म है। पहला किस्म जो है उसको कहते हैं पॉलीनोमियल एक्सप्रेशंस या पॉलीनोमियल्स खाली भी कहा जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव आर जीरो आर कॉल्ड पॉलीनोमियल एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल्स। यानी कि पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन या पॉलीनोमियल्स हमारी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होगी, यानी कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, सबसे बड़ा जो पावर होगा, वो या तो प्लस में होगा या जीरो होगा। जब भी वेरिएबल की डिग्री जो है वो प्लस में हो या जीरो हो तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बेसिकली हम पॉलीनोमियल कहते हैं। तो मैंने यहां पर एग्जांपल के तौर पे आई हैव टेकन थ्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो बेसिकली पॉलीनोमियल्स है, 2x² + 5x + 3। इसमें आप चेक करें कि जो डिग्री है यानी कि हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की, वेरिएबल का, वो कितना है, इट्स 2, और प्लस का है तो ये 2x² + 5x + 3 ये एक पॉलीनोमियल है। उसके बाद सेकंड जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज एक्स, ओनली एक टर्म है इसमें, तो एक्स पे पावर कितना है, एक्स पे पावर 1 है यानी कि प्लस का 1 है, तो ये एक्स जो है वो बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और टाइप्स के बुनियाद पे ये पॉलीनोमियल है। उसके बाद 5 जो है इसमें, इसके साथ हम वेरिएबल ले सकते हैं और वेरिएबल लेट सपोज मैं x ले रहा हूं, उस पे पावर कितना होगा, इट वुड बी 0। तो 5x⁻⁰ यानी कि वेरिएबल जो है उस पे पावर क्या है, उस पे पावर 0 है। सो ये दिस 5 इज आल्सो ए पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन, या इसको हम पॉलीनोमियल कह सकते हैं। यानी कि पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन या पॉलीनोमियल्स बेसिकली हमारी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसमें वेरिएबल पे जो पावर होगा, वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होगा, वेरिएबल पे जो डिग्री होगी वो या तो प्लस में होगी या जीरो होगी। उसके बाद जो सेकंड नंबर है, सेकंड काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज रेशनल एक्सप्रेशंस। The algebraic expressions written in the form of p of x upon q of x are called rational expressions. यानी कि rational expressions जो है हमारी वो algebraic expressions है जो p of x upon q of x form में लिखी जाती है, या p of x upon q of x इस form में होती है। अब इसका मकसद क्या है, p of x upon q of x का मकसद ये है कि रेशनल एक्सप्रेशंस जो होती है वो बेसिकली फ्रिक्शनल फॉर्म में होती है, जिसमें न्यूमरेटर जो है उसमें भी पॉलीनोमियल होगा, पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन होगी, और डिनोमिनेटर जो है उसमें भी पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन होगी। तो एग्जांपल के तौर पे आई हैव टेकन थ्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो बेसिकली रेशनल एक्सप्रेशंस है। उसमें नंबर वन में आप चेक करें 2 + x / 3x² + 1। 2 + x यानी कि ये पॉलीनोमियल है, और अपान में जो 3x² + 1 है ये भी पॉलीनोमियल है। यानी कि पॉलीनोमियल अपान जब पॉलीनोमियल होगा तो दैट एक्सप्रेशन विल बी सेड एज रेशनल एक्सप्रेशन। उसके बाद x⁻⁠ यानी इसको मैं लिख सकता हूं, इट वुड बी 1/x। 1 क्या है, 1 वैसे कांस्टेंट है लेकिन 1 जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप के हवाले से पॉलीनोमियल है और अपान में भी पॉलीनोमियल है। यानी कि x⁻⁰ जो है वो कौन सी एक्सप्रेशन है, यू विल से सर इट इज रेशनल एक्सप्रेशन बिकॉज इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स अपान क्यू ऑफ एक्स। उसके बाद जो थर्ड पे है दैट इज 5/x². इसमें भी आप चेक करोगे न्यूमरेटर में जो 5 है दैट इज पॉलीनोमियल अपान x² ये भी एक पॉलीनोमियल है। यानी कि पॉलीनोमियल अपान पॉलीनोमियल जब होगा दैट वुड बी अ रेशनल एक्सप्रेशन।
उसके बाद नोट में क्या है, चेक आउट दिस नोट, ईच पॉलीनोमियल इज रेशनल टू बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि हर पॉलीनोमियल हमारी जो एक्सप्रेशन है वो रेशनल है, मगर रेशनल हर रेशनल एक्सप्रेशन जो है वो पॉलीनोमियल नहीं है। इसको समझते हैं किस तरह से है। लेट सपोज अगर मैं आपको पूछूं ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या है, यू विल से सर इट इज पॉलीनोमियल बिकॉज के जो डिग्री है वो प्लस में है। इसको मैं अपान में वन करके लिख सकता हूं, जब इसको मैं अपान में वन करके लिख सकता हूं तो ये पॉलीनोमियल अपान में वन भी क्या है, पॉलीनोमियल है, यानी कि पॉलीनोमियल अपान पॉलीनोमियल क्या हुआ, रेशनल हुआ। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन दैट इज पॉलीनोमियल, ये रेशनल भी है क्योंकि इसको हम पी ऑफ एक्स अपान क्यू ऑफ एक्स फॉर्म में लिखने के लिए अपान में हम वन ले सकते हैं। लेकिन एक एक्सप्रेशन मैं देता हूं, दिस इज एक्स पावर माइनस वन, मैं आपको पूछूं ये क्या है, यू विल से सर इट इज रेशनल एक्सप्रेशन मगर ये पॉलीनोमियल नहीं है। क्यों पॉलीनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलीनोमियल में ये होता है कि वेरिएबल जो है उस पर पावर या तो प्लस का होता है या जीरो होता है, यहां पर वेरिएबल पे पावर क्या है, माइनस का पावर है। तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज रेशनल एक्सप्रेशन ये है मगर ये पॉलीनोमियल नहीं है। यानी कि नोट में सिर्फ आपको यही नोट करना है कि हर हमारी पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन जो है वो रेशनल है मगर हर रेशनल एक्सप्रेशन जो है वो पॉलीनोमियल नहीं है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है, थर्ड जो काइंड है दैट इज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज इरेशनल एक्सप्रेशंस। The algebraic expressions in which variable lie in radical sign and can't be simplified are called irrational expressions. Irrational expressions हमारी वो algebraic expressions है जिसमें variable जो होगा वो radical sign में lie करेगा और उस radical sign में से हम उसको withdraw नहीं करवा सकते, यानी कि उसको simplify करके radical sign में से बाहर उस variable को नहीं निकाल सकते। तो इस तरह की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगी उनको इरेशनल एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, लेट सपोज मैं आपको कहूं स्क्वायर रूट एक्स, ये क्या है, यू विल से सर इट इज इरेशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि यहां पर एक्स जो है वो रेडिकल साइन में, इसको हम सिंप्लीफाई करके बाहर तो निकाल नहीं सकते। तो इस तरह से ये स्क्वायर रूट एक्स जो है दैट इज इरेशनल एक्सप्रेशन। अगर दूसरा मैं आपको पूछूं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, What is this, sir? You will say, sir, this is polynomial because के square root x square जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर है और x पे power कितना है, plus का one power है, तो ये हो गई polynomial। यानी कि polynomial expression हमारी वो है जिसमें variable पे power क्या होगा, या plus का power होगा या zero power होगा। तो radical sign में हमारा variable हो उसको हम simplify करके उसको radical sign से जब हम बाहर नहीं निकाल सकते, so this expression will be said as irrational expression। ये जो हमारी expression है इसको हम simplify कर सकते हैं, तो इस तरह से ये expression हो गई polynomial। यानी कि irrational expression हमारी वो है जिसमें हमारा जो variable होगा वो radical sign में होगा, rational expression हमारी वो है जो p of x upon q of x form में लिखी हुई होगी, यानी कि न्यूमरेटर में भी पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन होगी और डिनोमिनेटर में पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन, जबकि पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन हमारी वो है जिसमें वेरिएबल पे जो पावर होगा या तो प्लस का होगा या जीरो पावर होगा। उसके बाद नाउ वी हैव काइंड्स ऑफ पॉलीनोमियल एक्सप्रेशंस। तो ये क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है, सबसे पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमने तीन जो है वो काइंड्स पढ़े, नंबर वन पे पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन, नंबर टू पे रेशनल एक्सप्रेशन और नंबर थ्री पे इरेशनल एक्सप्रेशन। अभी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑफ पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन जो है उसकी क्लासिफिकेशन है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न काइंड्स ऑफ पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन। काइंड्स ऑफ पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन की जो किस्म है वो बेसिकली दो बेस पे है, यानी कि दो उसके बुनियाद है उस पे बेसिकली उसके जो काइंड्स है। पहले जो हम काइंड्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स के बुनियाद पे। टर्म्स आपको पता है कि टर्म हम किसको कहते हैं, आप कहोगे सर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके जो पार्ट्स है उसके जो हिस्से हैं उनको हम टर्म्स कहते हैं, और जो जितने भी टर्म्स होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो सारे प्लस या माइनस के सिंबल से कनेक्टेड होंगे।
नंबर वन पे जो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पे जो पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन का पहला जो किस्म है दैट इज मोनोनोमियल, मोनो यानी सिंगल, नोमियल यानी टर्म, इट हैज वन टर्म, वो हमारी पॉलीनोमियल्स जिसमें एक टर्म है उसको बेसिकली मोनोनोमियल कहा जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे आई हैव टेकन टू मोनोनोमियल एक्सप्रेशन, एक है 2x और दूसरी है 5xyz। उसके बाद बायनोमियल, बाय यानी टू, नोमियल यानी टर्म्स, इसमें क्या होगा इट हैज टू टर्म्स। तो यहां पर मैंने जो है ना दो टाइप्स लिए है पॉलीनोमियल के, दो काइंड्स लिए है पॉलीनोमियल के, और वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स जो है वो दोनों क्या है, दोनों बायनोमियल्स है। उसके बाद ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल हमारी वो पॉलीनोमियल है जिसमें देयर विल बी थ्री टर्म्स, ट्राई मीन्स थ्री, नोमियल मीन्स टर्म्स, इट हैज थ्री टर्म्स, इसमें आप चेक करें देयर आर थ्री टर्म्स, इसमें भी आप चेक करें देयर आर थ्री टर्म्स। अब उसके बाद पे फोर्थ पे जो टाइप है दैट इज पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल का मकसद क्या है, यहां पर पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी कि जब हमारी पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन जो है उसमें तीन से ज्यादा अगर टर्म है तो उसको हम पॉलीनोमियल ही कहेंगे। पॉली का मकसद है मेनी, नोमियल का मकसद है टर्म्स। इट हैज मोर देन थ्री टर्म्स, अब इसमें चेक करें कितने टर्म्स है, देयर आर फोर टर्म्स, तो ये जो हमारी जो एक्सप्रेशन है दैट इज पॉलीनोमियल। शुरू में जो हमने पॉलीनोमियल को डिफाइन किया वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स नहीं है, पॉलीनोमियल की जो डेफिनेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल है, जिसमें हमने ये पढ़ा कि वेरिएबल पे पावर अगर प्लस का या जीरो है तो वो पॉलीनोमियल है। अब जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, अब जो हम काइंड्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के बुनियाद पे पॉलीनोमियल के बेसिकली देयर आर फोर काइंड्स, मोनोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होगा, बायनोमियल जिसमें दो टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स होंगे, अगर तीन से ज्यादा टर्म्स है तो उसको बेसिकली हम पॉलीनोमियल ही कहते हैं। उसके बाद जो काइंड्स है पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन के, काइंड्स ऑफ पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो है उसके बुनियाद पे वी आर गोइंग टू लर्न द काइंड्स ऑफ पॉलीनोमियल एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हम समझें कि ये डिग्री क्या है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, यानी कि वेरिएबल का जो सबसे ज्यादा पावर है दैट वुड बी सेड एज डिग्री। तो यहां पर ये एक्सप्रेशन चेक करें, दिस वन 2x² + 5x, यहां पर वेरिएबल x है और x का जो सबसे ज्यादा पावर है वो कितना है, 2 इज द पावर, तो आप कहोगे यहां पर डिग्री क्या है, 2 है। उसके बाद मैंने लिया है दूसरी जो एक्सप्रेशन है 5, इसके साथ हम वेरिएबल x ले सकते हैं, उस पर पावर 0 होगा, तो 5 की डिग्री क्या है, यू विल से सर 5 इज द पॉलीनोमियल और इसकी डिग्री क्या है, इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 0 है क्योंकि x पे पावर 0 होगा। वेरिएबल कोई भी लो, आप x लो, y लो, z लो। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है 2xyz + 3x², अब यहां पर आप चेक करें कि जो डिग्री है ना वो क्या है, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मैंने कहा है, ये नहीं कहा कि इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x या y या z, नहीं, मैंने कहा इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कोई भी हो, जब हमारे वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड होंगे तो उनके पावर को हम ऐड करेंगे, तो x इंटू y इंटू z, यानी कि वेरिएबल इंटू वेरिएबल इंटू वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल क्यूब हो जाएगा। और यहां पर जो वेरिएबल पे पावर है, x पे पावर 2 है, यहां पर कितना पावर हो रहा है, वी विल एड द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स, फिर चाहे वो भले डिफरेंट हो क्योंकि बेसिकली वो तो वेरिएबल्स है। तो यहां पर डिग्री कितनी है, 3 है, बिकॉज के ये वेरिएबल्स जो है वो मल्टीप्लाइड है, इसलिए उनका हम पावर जो है सम अप करके एड करके हम ओवरऑल जो है वो डिग्री बताएंगे, और डिग्री इज व्हाट, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द वेरिएबल जो पॉलीनोमियल्स है उसके बेसिकली देयर आर फोर जो है काइंड्स है। नंबर वन लीनियर एक्सप्रेशन हमारी वो पॉलीनोमियल लीनियर एक्सप्रेशन होगी जिसमें डिग्री कितनी होगी, डिग्री 1 होगी। यहां पर आप चेक करें कि ये जो हैज डिग्री 1 एक्स, और ये जो एग्जांपल दिया है 5xyz, ये बेसिकली लीनियर में नहीं आता। लीनियर यानी कि हमारी वो एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री 1 होगी। तो एग्जांपल पे तौर पे आप x ले लें, या मैं आपको कहूं x+2, ये क्या है, ये पॉलीनोमियल है और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये लीनियर है। उसके बाद जो सेकेंड टाइप है दैट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन,
इसमें क्या होगा, डिग्री टू होगी। यहां पर आप चेक करें कि डिग्री टू है, यहां पर भी आप चेक करें एक्स वाई यानी कि एक्स इंटू वाई यानी कि वेरिएबल इंटू वेरिएबल, वेरिएबल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर भी डिग्री दो है और यहां पर भी डिग्री दो है। तो ये जो टाइप हो गया बेसिकली पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन जो है उसका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के हवाले से ये हो गई दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। उसके बाद क्यूबिक है, क्यूबिक हमारी वो एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री कितनी होगी, थ्री होगी। इसमें चेक करें डिग्री थ्री है, इसमें भी चेक करें डिग्री थ्री है। उसके बाद है बाय क्वाड्रेटिक या उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। बाय का मकसद है टू, क्वाड्रेटिक भी, क्वाड्रेटिक की भी, क्वाड्रेटिक जो है उसकी भी डिग्री टू है। तो टू और टू कितने हो जाएंगे, फोर। यानी कि बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारी वो है जिसकी डिग्री कितनी होगी, इट वुड बी फोर, यानी कि हाईएस्ट पावर फोर होगा। तो चेक करें ये हमारी जो है पॉलीनोमियल है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इट इज बाय क्वाड्रेटिक आर क्वाड्रेटिक, और ये भी हमारी क्वाड्रेटिक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।